हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। साउथ की फिल्में लगातार हिंदी फिल्मों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। साउथ की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो कि कई बड़ी हिंदी फिल्में भी हासिल नहीं कर पाई हैं। इसी में यश की फिल्म केजीएफ भी शामिल है। कन्नड़ सुपरस्टार यश ने फिल्म केजीएफ के जरिए बॉक्स ऑफिस पर लोगों के बीच ऐसा धमाल मचाया जो आसानी से लोगों के जहन में से जाने वाला नहीं है। इस फिल्म की सक्सेस के बाद इसके दूसरे पार्ट को भी रिलीज किया गया जो कि इस साल की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही थी। इसके बाद अब हर कोई इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहा है जिसके बारे में यश ने खुद एक अहम जानकारी लोगों के साथ शेयर की है। दरअसल हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में यश से जब केजीएफ 3 के बारे में सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि इसको अभी रिलीज होने में समय है। इसके साथ ही यश ने कहा कि वो कुछ समय लेकर चीजें देखेंगे और उसके बाद इस फिल्म पर अपना काम शुरू करेंगे। इस फिल्म की रिलीज डेट पर यश का कहना है कि जल्द ही कुछ भी नहीं आने वाला है। अब यश की इन बातों से तो वो फैंस काफी ज्यादा निराश होने वाले हैं जो कि केजीएफ 2 की सक्सेस के बाद बेसब्री से इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि उन्हें इसके लिए थोड़ा और वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिल्मी गलियारों में बीते कई दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है कि ब्रह्मास्त्र के दूसरे पार्ट में आखिर देव के किरदार में कौन सा एक्टर नजर आएगा। पहले इसके बारे में चर्चा हुई रणवीर सिंह के नाम की, उसके बाद ऋतिक रोशन का नाम भी सामने आया था और हाल ही में अब यश का नाम भी सामने आने लगा है। कई सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी जिसमें ये कहा गया था कि ब्रह्मास्त्र के दूसरे पार्ट में देव के रोल में यश नजर आ सकते हैं। इस पर भी यश ने अब खुलकर बात की है। ब्रह्मास्त्र 2 में देव के किरदार के बारे में यश का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई फिल्म आती है तो इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अब यश की इन बातों से लोगों के दिमाग में ये सवाल फिर से घूमने लगा है कि आखिर ब्रह्मास्त्र के दूसरे पार्ट में देव के रोल में कौन नजर आएगा, लेकिन लगता है कि इसके जवाब के लिए भी लोगों को अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई और भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड केसरी।